खबर छत्तीसा के बाद खबर छत्तीसा मा बेरा है समाचार विस्तार से देखे के आवा देखथन समाचार। बसपा सुप्रीमो मायावती बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के 128वीं जयंती के अवसर में जांजगीर के शासकीय हाई स्कूल मैदान में विशाल चुनावी सभा ला संबोधित करत बसपा प्रत्याशी ला जिताए के अपील करिस। मायावती के सभा के दौरान छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत जोगी और पार्टी के पदाधिकारी घलो रहिन मौजूद। चुनावी सभा में अपन उद्बोधन के दौरान मायावती भाजपा और कांग्रेस दोनों ऊपर झूठा वादा के दम में सत्ता हथियाए के आरोप लगाईस। मायावती कहिस के जनता एदारी नमो नमो ला विदा करके बसपा ला लाए के मूड में नजर आते। बाबा साहेब ला श्रद्धांजलि अर्पित करके उखर संघर्ष ला याद करत लोकसभा चुनाव में अच्छा रिजल्ट लाके बाबा साहब के सपना ला साकार करे के बात कहीस। आपको केंद्र में नमो नमो को विधान करके या जयंती वालों को ही वाले के मूर्ति जरूर पूरी हो सकती है यदि आप लोग भी चुनाव में या अपने छत्तीसगढ़ प्रदेश से भी अपनी पार्टी का कुछ अच्छा रिजल्ट ले आते। मायावती के उद्बोधन के बाद छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस सुप्रीमो अजीत जोगी घलोक केंद्र के भाजपा सरकार ऊपर जुमलेबाजी के आरोप लगाईस। उन्हें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ऊपर निशाना साधत कहिस कि राज्य के पूरा खजाना खाली है और कर्मचारी मन ला वेतन के लाले पड़ चुके हैं। 3 महीना के सरकार में 6 बार कर्जा घलोक ले डाले है। मायावती संग मंच साझा करत अपन भाषण में अजीत जोगी कांग्रेस के न्याय योजना के तहत 72,000 देहे ऊपर घलोक सवाल उठाई। जांजगीर ले हमारे डिजिटल रिपोर्टर आशीष कश्यप के रिपोर्ट।